हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और नहीं जी, आज सुबह है, आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठे हैं, तकरीबन 8 बजे। तो जिया भी घर से आए हुए हैं आज, तो अभी हम लोग तैयार हो गए हुए थे, बच्चे भी तैयार हो गए हुए थे। आज हमारा डे था जी ग्रॉसरी का, तो आज हमारा डे है ग्रॉसरी का। आज मैंने पूरे घर किचन की क्लीनिंग कर दी है, और जी फ्रिज वगैरह भी क्लीन कर दिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा फ्रिज वगैरह भी है, और मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। ये देखें जी, सारा मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि जी आज सारी ग्रॉसरी लेकर आनी है, तो इसलिए जी काम सारे मैं ख़त्म कर देती हूँ, ताकि घर में आए तो स्पेस हो। और मैंने शावर लिया हुआ है, इसीलिए मेरे बाल इतने फ्लफी फ्लफी हुए हैं, तो अभी मैंने ड्राई करना है। तो चलें जी, तैयार होते हैं। तो उधर देखें जी, रहीम को पीछे मेरे, ये डांस हो रहा है रहीम का। रहीम आप क्या कर रहे हो? डांसिंग कर रहे हो? कम हिया, इधर आओ, चलो आप डांसिंग करके दिखाओ मम्मा को। अगेन ये रहीम का डांस हो रहा है। तो चले जी, मैं तैयार होती हूँ, तो फिर जी हम मिलते हैं आपको। तो नहीं जी, अब मैं होने लगी थी जी तैयार, तो मैंने सोचा जी जल्दी से तैयार होते हैं और आपके साथ साथ बात भी करते हैं। तो मैं जी सबसे पहले नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और उसके बाद जी मैं प्राइमर लगाती हूँ। प्राइमर मैं कौन सा लगाती हूँ? ये नॉर्मल ही है, ग्लो प्राइम है, ये आप देख सकते हैं। ये जस्ट मैं नॉर्मल लगाती हूँ, और मैं लगाती हूँ जी ये टेक्निक का फाउंडेशन है। ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत नाइस है। इसके इससे बहुत अच्छी आपके फेस की लुक होती है, बहुत नाइस। तो ऐसे ही लगाऊंगी आपके सामने। तो चलिए जी, फाउंडेशन मैंने लगा लिया था, और आप देखें इसे कितनी अच्छी हो जाती है लुक फेस की, बिल्कुल क्लीन लगता है फेस। कोई अगर थोड़े से डार्क सर्कल हैं, ये भी उसे कवरेज कर लेता है, बहुत नाइस है ये। ऑलवेज मेंस जो उनसे होते हैं, उनको होता है कि वे लेडीज़ जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएं, तो ज़िया को यही होता है जी, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाएं हम और चलें। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो बस ग्रॉसरी करने जाना था, थोड़ा सा इंसान फ्रेश हो जाता है अगर अपने आप को इस तरह कोई लाइट सा मेकअप वगैरह कर लें तो नाइस लगता है। मैं इसके लिए लगाऊंगी जी हाइलाइटर, लगाऊंगी चीक्स पे। ये है जी हाइलाइटर, पीच कलर का है, और मैंने ब्लशन लगाया है, ये भी पीच से कलर का ही है, लाइट सा नेचुरल पीच है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस व्लॉग में मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने लिए भी थोड़ा सा कुछ दिखाती हूँ कि किस तरह हम तैयार होते हैं एवरी डे। जस्ट ये नहीं कि हमने कुकिंग में या क्लीनिंग में ही टाइम गुजारने, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। आप सबको भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, तो इस तरह हम लोग अपने आप को अच्छा फील करते हैं। और अगर हम लोग फ्रेश होते हैं तो ऑल डे, पहले भी मैं व्लॉग में यही कहती हूँ, अगर हम अच्छे होंगे तो हम सारे काम अच्छे करेंगे, अगर हम लोग फ्रेश नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। किट ये बहुत अच्छी है, इसका नाम ही है वेट एंड वाइल्ड। ये आप देख लें, ये मैं आईब्रो पे लगाऊंगी। अब आप मेरे आईब्रो में डिफरेंस देख सकते हैं इसे इसे। वैसे भी मेरे आईब्रो काफी थिक हैं, तो इसलिए ज्यादा नहीं होता, जस्ट एक मैंने फिंकिंग देनी होती है कि जी जो गैप है आईब्रो में हमें वो करना चाहिए क्लियर। रहीम, तो नहीं जी मेरे आईब्रो तो हो गए थे, और आई शेडो मैंने कौन सा लगाना है? आई शेडो ज़्यादा मैं नहीं करती यूज़, तो पर फिर भी हम लोग यूज़ करें आई पैलेट। तो आई पैलेट भी है, ब्लशन भी है, तो आप किसी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जस्ट मैंने एक बेस बनानी होती है ऐसा आई पे, कि जी कोई स्वेटिंग ना हो आई पे, और वैसे भी यहाँ पे इतनी ठंड होती है, कहाँ पे स्वेटिंग होगी हमें यहाँ पे। ये आई का भी डन, और चिक्स पे भी लगा लिए, फेस भी हो गया, और नेचुरल भी लग गए। ज़्यादा मुझे नहीं पसंद एवरी डे जिस तरह लाइनर लगाएं या फिर कुछ इस तरह का हैवी, अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हमें यही नाइस लगता है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, तो लिपस्टिक हम लगाएंगे कौन सी, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं जी लगा रही हूँ लॉरियल की है, लॉरियल पेरिस की ये लिपस्टिक है, और इसका नंबर है, इसका तो बेचारी का नंबर ही रिमूव हो गया, हाँ इसका नंबर ये है 235।
235 ये बहुत नाइस कलर है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक का कलर है जो कि आप देख सकते हैं। अभी जब मैं फुल रेडी हूँ, और ये है जी केट की लिपस्टिक, ये मैं मिक्स करती हूँ इसके साथ, ये है जी केट की और इसका नंबर है 105। ये हो गया जी लिपस्टिक। अब मैं लगाऊंगी जी मस्कारा। ये ड्रेस मैं कौन सा पहनने लगी हूँ, ड्रेस मैं ये लॉन्ग शर्ट पहनने लगी हूँ, ये आप देख लें जी। और इसकी जी वेस्ट पे जी ये बेल्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज से दिखा दूँ, ये देख लें। और इसके स्लीव्स ऐसे बने हुए हैं, ये देख लें जी। तो ये बहुत अच्छी लगती है शर्ट्स जस्ट नॉर्मल कैजुअल पहनने के लिए, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं जी ये तो लें जी, अब हम मैं तैयार हो गई थी और अब हम जाने लगे थे जी, ग्रॉसरी के लिए जाना था। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया और हम लोगों ने आज बाहर लंच करना था, तो जी चले जी वो भी आपको दिखाएंगे। और लें जी मैंने क्या पहना है, मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। तो लें जी मैंने ये शर्ट पहनी है, आप देख रहे हैं, और ब्लैक कलर की मैंने ये जी साथ मैचिंग जैगिंग किया, और मैंने ब्राउन कलर की इसके साथ मैचिंग। तो लें जी अब हम लोग जाने लगे हैं और मिलते हैं जी आपको गाड़ी में जाकर, और इंशाल्लाह होप के मैं गाड़ी में जाकर लाइव आऊँगी, तो फिर जी हमारी वहाँ पे भी बात होगी। तो अगर ना आप लोग कोई ज्वाइन कर पाए तो आप मेरा व्लॉग देखना, तो इंशाल्लाह जी सून आज रात में मैं अपना व्लॉग अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए जी फुल लुक, ऐसे भी आप देख लें। तो चलें जी मिलते हैं। नहीं जी मैंने ड्रेस के ऊपर जी ये शॉल ले ली थी, शॉल मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी मैंने ली है। ये देखिए जी आपको अगर नज़र आ रही है तो ये मैंने शॉल ले ली थी किप स्टाइल में। الشمس ينبغي لها ले जी अब हम पहुंच गए थे जी पेरी पेरी। यहाँ पे आकर जी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो अभी हम लोगों ने जी लंच करना था तो बच्चों को लेकर आए थे यहाँ पे जी। जिया ने भी बर्गर ले लिया था, मैंने पार्मेसान लिया था और बच्चों ने बर्गर्स लिए थे, तो इनके बहुत टेस्टी होते हैं बर्गर, स्पेशली ये अमेरिकन स्टाइल बर्गर है जो जिया ने लिया, तो ये काफ़ी टेस्टी होता है। Rahim, it's nice. Yeah. Mohammed, it's nice, Baba. Drop. Hmm. It's nice. Come. Hello, assalamu alaikum. I'm making a video for all the people who need to do shopping fast, and this is how you need to do shopping. You take the kids in the shop as well, and they can help the mummy. तो ले जी अब हम लोगों ने लेना था जी यहाँ से मीट। यहाँ पे हम आते हैं जी मिडल्स प्रा स्टोर पे। नहीं मिक्स बनाना। ये 3 kg बोलूँगी ना, पर मिक्स बनाऊंगी ना सारा, इनके पास मिक्स नहीं ना होता। आज हमारे साथ हमारे हस्बैंड आए हैं शॉपिंग करवाने के लिए। मोहम्मद समी से पूछे ये क्या है, काउ फीट है। रहीम व्हाट इज दिस। आज जी मोहम्मद समी फर्स्ट टाइम स्टोर के अंदर आए थे, आते तो पहले भी थे पर मीट सेक्शन में नहीं थे, तो वो बहुत सरप्राइज हो रहे थे चीज़ों को देखकर, और जो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं तो वही देखकर दिया। उनसे क्वेश्चन कर रहे थे जी ये क्या है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज होकर जवाब दे रहे थे। ये देखें, ये आप ही एक और था यहाँ पे, ये चमचम, ये चमचम ये देखिए जी, हमने ये लिया एक चमचम लिया और एक मिक्स लिया। आप चमचम नहीं खा पाते। ये देखो मछली,
big fish. Big fish in here, look. Whoa! Yeah. No. Hi fish! Hi! आज जी मेरे बच्चे यहाँ पे आके बहुत एक्साइटेड हो रहे थे स्टोर में कि जी उनको ये फ्रोजन फिश नज़र आ गई थी और ये बिल्कुल आपको पता है फ्रीज की होती हैं और इसे डिफ्रोज किया जाता है, तो वो फर्स्ट टाइम देख रहे थे। जिया उनको दिखा रहे थे यहाँ पे, तो वो हैरान हो रहे थे जी ये फ़िश किस तरह फ्रीज़र में। यहीं से मैंने ले लिए थे समोसे, ले लिए थे समोसे। ज़्यादा हमारे घर में खाए जाते हैं छोटे, मैं ख़ुद भी बनाती हूँ, पर वो ज़्यादा रमज़ान में खाए जाते हैं तो इसीलिए बनाती हूँ। ज़्यादा एफर्ट होता है जी रमज़ान में जी घर की हर चीज़ों पर। ये मैंने घर में रखे होते हैं समोसे, तो जल्दी से फ्राई कर लें, अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं ये। और लें जी, अब मैंने सारी ग्रॉसरी कर ली थी यहाँ से और अब हम जा रहे थे जी घर। ये देखें जी, आप देख सकते हैं रहीम को कितनी नींद आई हुई है, पर फिर भी हम रहीम को आइसक्रीम के लिए लेकर जा रहे थे। मोहम्मद समी का भी दिल था आइसक्रीम खानी है आज, और जिया ने भी यही सोचा चलें जी आज संडे है तो सब हम बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। तो ये हमारे टाउन में ही है पेनी हेज, तो यहाँ पे जी आइसक्रीम बहुत टेस्टी मिलती है, बहुत नाइस। तो हमने सोचा चलें जी बाहर आए हैं तो चलें जी आइसक्रीम खा कर ही अब घर जाते हैं। जी अब हम आ गए थे जी अंदर, तो बच्चों के साथ ऐसे ही बाहर जाना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बच्चे भी हैप्पी होते हैं, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है और बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। और हम तो ले जी यहाँ पे जी हम आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी आइसक्रीम होती है, मोहम्मद समी को बहुत पसंद है और कुछ है हमारे टाउन में भी है तो इसलिए। तो चलें जी कौन सी आइसक्रीम लेते हैं ये आपको बताते हैं। आप कैरेट में कलर कर रहे हो? आप किस में कर रहे हो? ये क्या है? टर्निप। टर्निप। चॉकलेट ब्राउन संडे सब ने चॉकलेट। आ गई थी जी हमारी आइसक्रीम, आइसक्रीम तो बच्चों की थी जी, बच्चों ने मंगवाई थी चॉकलेट फ्लेवर और मैंने मंगवाई थी जी चॉकलेट ब्राउनी संडे। और लें जी कितने मज़े की ये आइसक्रीम थी। तो ये जी स्पेशल जिया और मेरे लिए। 1, 2, 3, 4, 5 माशाल्लाह। तो ले जी अब हम जा रहे थे खैर से घर और बाहर देखे जी मौसम कितना प्यारा है और घर जाके हमने फिर से जी। तो लें जी अब हमारी ये सारी ग्रॉसरी है और अब ये मैंने रखनी है सब चीज़ें, तो चलें जी जितनी हो सका मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये अब हम ले आए थे सारी ग्रॉसरी, मीट वगैरह मैंने रख दिया, वो मैंने आपको दिखा दिया है पहले से। और ये है जी सारा सामान जो जो चाहिए था हमें, और ये थे जी मेरे नूडल्स जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ये पाकिस्तान में सब जगह अवेलेबल होंगे चटपटा कनोर नूडल्स। और चलें जी मैं स्टार्ट करती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई थी जी मुझे चाहिए था चिकन बिरयानी मसाला, ये मैं ले आई थी। ये था जी मटन बिरयानी मसाला, और ये था जी पंजाबी यखनी पुलाव, ये बहुत टेस्टी है और अगर पाकिस्तान में मिलता है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई करें। कबाब है ये बहुत बहुत नाइस, ये भी है।
और अगर आप अपने घर में, मैं तंदूरी चिकन बनाती हूँ तो डेफिनेटली मैं ये डालती हूँ। और ये था जी, ये कस्टर्ड मैंने बच्चों के लिए लिया था, मोहम्मद समी बहुत शौक से खाते हैं तो ये मैंने 2 पैक ले लिए थे। और ये जी हमारे पाकिस्तान की शान और जहान कच्ची जो शानदार ये वाला लिया था मैंने, क्योंकि आपको पता है विंटर में फ्लू हो जाए तो हमें अपने लिए तो चाहिए गरम मसाला, होल गरम मसाला। इसका बड़ा पैक नहीं था तो ये मैं 3 पैक ले आई थी, ये देखी थी, और ये बहुत चीप मिला मुझे, 59 पेंस का मिला, तो ये मैं ले आई थी यहाँ से। ये ले आई थी जी मैं चना दाल ले आई थी क्योंकि मुझे स्मॉल पैक चाहिए था और है थी इसलिए। ये थी जी मूंग दाल छिलका ये वाली, ये ले आई थी मैं। और मुझे चाहिए था जी ये चने चाहिए थे, काले चने ले आई थी मैं। और चिली पाउडर ले आई थी, लाल मिर्चों का पैकेट क्योंकि ऑलरेडी है थी इसीलिए मैं स्मॉल लेकर आई हूँ। और ये था जी स्पिनिच की प्यूरी ले आई थी मैं, और इसके भी मैं 2 बैग ले आई थी। और ये था जी देसी घी, तो देसी घी ले आए थे हम, तो इनको तो अब मैं रखती जाऊंगी बाद में साथ साथ, तो अभी मैं आपको दिखा दूं मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये हैं जी ऑलरेडी बॉईल किए हुए 10 चिक पीस हैं, वाइट चने जो होते हैं ये नहीं, ये है जी वाइट चने, ठीक है। और ये 10 में मिल जाते हैं, अगर आपको बहुत कोई कुछ बनाना है तो आप आराम से इनको बॉईल करने के बगैर ही जस्ट आप ये 2 मिनट्स के लिए ओवन में रखें और आप इसे बना सकते, बहुत नाइसली बन जाते हैं। और ये थी जी मुझे पिकल पेपर मिल गई थी जिसे हम कहते हैं सिरके वाली हरी, मैंने ले ली थी पेपर। और ये था जी ये मिक्स हर्ब्स थे, ये आपको पता है तंदूरी चिकन बनाए कोई भी खाना बनाए उसके अंदर इजीली हमारे काम आ जाती हैं ये चीज़ें। तो ये हो गया था जी, ये मैं ले आई थी पिस्ता ले आई थी, पिस्ताशू, आपको पता है विंटर है तो ऐसी चीज़ें तो बहुत जरूरी होती हैं घर के अंदर। और ये है जी आलमंड बादाम ले आए थे, और ये पैकेट है जो बहुत अच्छी प्राइस में ये भी मिला है मुझे, ये मिला मुझे 4.99 का और 248 पाउंड थे हीरा पे ये वाले। तो अगर जो यहाँ से उनको पता होगा वो शॉप्स पे जाकर ले सकते हैं, ऑफर है तो अच्छी थी 248। और ये था जी धनिया पाउडर था, कोरिएंडर पाउडर, और इसके अंदर स्मॉल पैकेट नहीं मिला था तो ये खाने हर हांडी के अंदर ये ज़रूर डलता है खुशबू के लिए, तो इसीलिए ये मैं बड़ा ही ले आई थी। और ये हेनोलर है, और ये ले आई थी, ये भी मैं स्मॉल पैकेट ले आई थी। और ये था जी पुदीना, पुदीना भी ले आई थी मैं। और क्या लेकर आई थी मैं, हाँ जी ये देखें जी, ये जी हरी मिर्चें खैरियत से, ये देखें ये हरी मिर्चों की उसका शान है, इतनी बड़ी बड़ी हैं और ये बहुत मज़े की बनती हैं, अगर आप फ्राई करके भी बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बनती है। और क्या लेकर आए थे जी, ये हम लेकर आए थे मिठाई, ये मिठाई ले आए थे यहाँ से क्योंकि जहाँ पे हम जाते हैं मिडिलसब्रा वहाँ पे इसी ये ही मिठाई मिलती है, दूसरी मिठाई नहीं मिलती, तो मिलती है पर उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग ये वाली ले आए थे। और ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और ये था जी बच्चों के स्कूल के लिए था जी, ये ग्रेप्स ले आई थी, और ये सीडलेस ग्रेप्स हैं, ये नॉर्मल मैं सुपरमार्केट से लेकर आई थी, और जो ये सामान है ये हमारी अपनी पाकिस्तानी शॉप से होता है। और ये देखिए ये हैं जी, मैंने ले ली थी ब्लूबेरीज ले ली थी क्योंकि मोहम्मद को बहुत पसंद है तो वो लंच पैक में ज़रूर लेकर जाता है, और इसके ऊपर भी 30% ऑफ था तो ये मैंने ले ली थी। और ये थी जी स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज भी मैं ले आई थी। बच्चे आपको पता है कि सुबह स्कूल में ले जाते हैं फ्रूट वगैरह, बच्चों के लिए हेल्थी होता है यानी कि हम बच्चों को कोई और चीज़ दें। तो ये हैं जी ऑरेंजेस, 2 पैक मैं ऑरेंजेस के ले आई थी ये बोले। और जी एप्पल ले आए थे हम, और मिक्स पेपर, तो ये ऑमलेट वगैरह के लिए बहुत काम आती हैं तो इसीलिए मैं ये बेल पेपर ज़रूर लेकर आती हूँ, ये ऑमलेट में बहुत कलरफुल सी लगती हैं, आप अगर पुलाव में भी डालना चाहें। और ये हैं जी रेडिश हैं, और ये मैं ले आई थी जी बेबी टमाटोज ले आई थी, बेबी प्लम टमाटोज हैं ये थे जी, हम लोग ले आए थे ये बेबी लीफ सैलड ले आए थे, तो ये भी खाने में बहुत, जब आप खाना बनाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्टीम रोस्ट बनाना था तो उसके साथ जी ये वाले सैलेड पोटैटो बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप इनको बेक कर दें तो बहुत अच्छे लगते हैं ओवन में।
तो जिस दिन मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में अपलोड करूंगी कि किस तरह मैंने बनाया, और आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। और ये थे जी, ये बन में लेकर एग्स। सो एग ये हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हैं जी एग्स। तो एग्स ले आए थे हम, क्योंकि सुबह प्लान तो यही है कि ऑमलेट वगैरह बनाएंगे। और ये हैं जी हमारी पाकिस्तानी सुगात, जिसकी मैं बनाऊंगी कल फ्रूट चाट। और ये देखें जी हमारे अमरूद, कितने मज़े के लगते हैं, मेरे हाथ से गिरने लगे। ये हैं जी अमरूद, और इसकी बनाएंगे जी चाट कल, और फिर खाएंगे जी मज़े से। तो ये और इजी होता है जब आप सारी चीज़ें टुगेदर ले आते हैं घर में, फिर बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता, बच्चे भी आराम से घर में इजी चीज़ें हों तो आप लोग बच्चों के साथ ले सकते हैं बाहर मार्केट में। हमारा रह गया है रुबीना, रुबीना ये मैंगो जूस है, ये बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, तो इसीलिए जी ये भी मैंने ली थी। और एक और चीज़ आई थी, कहाँ गई जी कहाँ गई, ये है, ये भी हमारे पाकिस्तान की सौगात। ये हैं जी ऑरेंज, जो कि इतने मज़े के होते हैं, इजी टू पिल करते हैं इसे और मज़े से खाते हैं, और खा खा के पागल होते हैं। तो ये थे जी नूडल्स, जो मैंने आपको बताया मैं पूरा कार्टन ही ले आई हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और बच्चे इतने नहीं खाते जितने ये मैं खाती हूँ। मुझे जब भी भूख लगे और समझ ना आए क्या खाऊं तो फिर मैं ये खा लेती हूँ। और चलें जी, ये तो हो गई थी हमारी सारी चुल्हें जी, अब मेरा सारा सामान टाइडी हो गया डाइनिंग से, और मैं आपको दिखाती हूँ, रखा है मैंने सारी चीज़ें इस तरह फ्रिज में रखी हैं, फ्रिज मेरी माशाल्लाह से फुल हो गई है। और यहाँ पे जी मैंने मिल्क वगैरह, ये मिठाई वगैरह सब चीज़ें रख दी हैं, और अब जी हम चलेंगे जी कुकिंग की तरफ। और ये नूडल्स रह गए हैं, नूडल्स अब मैं रखूँगी जी। ओके मोहम्मद समी, तो चलें हम गिफ्ट ओपन करें आपको। चलें जी मोहम्मद समी के लिए ये मैंने मंगवाया था गिफ्ट, और मोहम्मद समी को ये बहुत पसंद था, तो आज इनका ड्रीम पूरा होने लगा है। यस, मोहम्मद को बहुत शौक था ये चीज लेने। मोहम्मद क्लोज योर आईज, नो चीटिंग, आई एम नॉट चीटिंग, बट आई प्रॉमिस आई एम नॉट चीटिंग। आप जल्दी से पैकिंग। ये है जी मोहम्मद का बैग, मोहम्मद शो करो, शो योर बैग। ओके सो व्हिच डायनासोर, दिस वन, दिस वन जी, ट्राइसेरोटॉप्स। ओके सो ये था जी मोहम्मद का स्मिगल से हम लोगों ने बैग लिए, ये इसका मोस्ट फेवरेट बैग था। कितना जिप, कितनी जिप से आप चेक करो, टू जिपर आया हुआ लोगो, वेरी नाइस। ये डायनासोर का, तो ये था जी मोहम्मद का फेवरेट बैग, और इसे ऐसे देन मैं बाद में सबको दिखाऊँ शॉप पे जाए ताकि इनको पता हो किस तरह यूज करो। आप ये अब इससे बैग में रखो मेरा बेटा, ये आप उसके साथ पैचिंग कर लो। ये जी समी का बैग, ये है जी फुटबॉल आर्मी स्टाइल में बना हुआ है, और समी को आर्मी थिंग्स बहुत पसंद है। आई कैन सी दिस वन, आई नो, सो दिस वन ये देखिए जी समी एरिया है, और इसके अंदर भी इन्होंने ऐसा ही बनाया हुआ है, टू पार्ट बने हुए हैं इसके, फ्रंट एंड बैक। बुक्स भी रख सकते हैं, ट्रेवल में भी यूज कर सकते हैं इसे, और नाइस है ये। वो कुछ नहीं करेगा। ये है जी, ये बैक साइड है समी के बैग की, तो मैंने सोचा चलें जी आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये हो गया जी समी का, एंड समी का लंच, तो ये हो गया समी का बैग, और ये है जी समी का पैक लंच। ये ओपन करके देखो, समी का ये, इट्स ओके बिकॉज दे डोंट हैव दिस वन, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस वन टू ग्रीन। व्हाट इज हिज कलर? नो इट्स ओके, ही डोंट नीड राइट नाउ, ही इज नॉट अलाउड। ये टॉप वाला पार्ट है, और ये है जी बॉटम वाला, सो टू पार्ट हैं समी के पैक लंच के। आई डिडंट नो दैट। या एंड समी यहां पे अपना नेम राइट कर लेगा ये समी, और ये है जी समी का
ये देखिए जी समी का ये है जी, वो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मार्कल्स हैं जी, ये है जी पेंसिल केस है, तो ये भी बहुत अच्छा मिल गया था। ये समी का फुल पैक बना हुआ है, ये देखिए जी, ये है समी का और डायनासोर वाला मोहम्मद का। तो ली जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखें। और आज का व्लॉग तो हो गया काफ़ी लंबा, और होप कि आप इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।